हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में मैं भारत पंचाल आपका वेलकम करता हूं। वीडियो देखिएगा, अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट कि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आपको पता चलता रहे। आपके कुछ भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट। क्लास की फर्स्ट यूनिट है हमारी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है हमारी एग्जाम में 4 मार्क्स की आती है। सॉलिड स्टेट एक टोटली इमेजिनरी यूनिट है, इसमें सिर्फ हमने इमेजिन ही करते चलना है। एक्चुअल में ऐसा देखा किसी ने कि ऐसा होता है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इमेजिनरी है, एक तो है जो रियल भी है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज हो जाया करता है दैट व्हाट इज सॉलिड स्टेट, कि यार सॉलिड स्टेट क्या होता है। As we all know, it is that state of matter which have definite shape, जिसकी fixed shape होती है, definite mass and definite volume. Volume means होता है space occupy. जो solids होते हैं वो एक fixed space occupy करते हैं। कुछ और points हो सकते हैं इनके, these are non-compressible. इनको हम लोग compress नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल मीन्स इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ना के बराबर ही होता है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज अबव देन रूम टेम्परेचर, कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर से ज्यादा हुआ करता है। ये सब बातें एग्जाम्स में नहीं आती हैं, बट हमें कुछ पता होना चाहिए। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये नॉन कंप्रेसिबल हुआ करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, बिल्कुल ना के बराबर होता है, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अगर रूम टेम्परेचर से कम हुआ देन वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, बट हम बात करें सॉलिड स्टेट की। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज above than room temperature. Types of solid. So solids are of two types. Number one is crystalline solid. And number two is amorphous solid. These are crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid. सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनके जो particles होते हैं वो कुछ इस तरह से arrange होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लाइक ए के बाद बी, बी के बाद ए, ए के बाद बी, वो कॉन्सिक्वेंसी चलती चली जाती है। इनके पार्टिकल्स देखिए, पहले नहीं आ रहा, फिर आ गया, फिर गैप है, फिर आ गया, फिर गैप है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न, इनका पैटर्न हुआ करता है इरेगुलर। अब इसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है तो हम लिख सकते हैं दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी शेप होती है भैया डेफिनेट, इनकी शेप क्या होती है इनडेफिनेट, इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं हुआ करती है। अगली बात, दीज आर हार्ड, दीज आर लेस हार्ड, इतने हार्ड नहीं होते जितने की क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई की जगह पे हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मीन ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। शार्प मींस लाइक, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि यार मुझे ना आईफोन 7 लेना, वो कितने का आ जाएगा। मैं बोलूं उसे कि यार 47,000 का आ जाना है, ये बात है शार्प। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है मेल्ट्स ओवर ए रेंज, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो करता है रेंज में। सेम वही बात कि मेरा कोई दूसरा फ्रेंड पूछता है कि यार मैंने आईफोन 7 लेना है और वो कितने तक का आ जाएगा, मैं बोलूं उसे कि यार देख ले 40-50 का आ जाएगा, ये बात क्या होगी, एक रेंज होगी। मींस क्या है इस बात का, कि अगर मेल्टिंग पॉइंट में बोल रहा हूं x, इट मींस x, y मींस y, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है,
एक्स टू वाई। उसके बाद ये पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है तो इनको काटा जा सकता है, तो दे शो क्लीन क्लीवेज, जब हम इनको काटते हैं तो ये बिल्कुल साफ सफाई से कट जाया करते हैं, और जब हम इनको काटते हैं पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है नहीं, गैप बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे डोंट शो क्लीन क्लीवेज, ये साफ सफाई से नहीं कटेंगे। अगली बात अगर करें इनके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है तो हम लोग लिख सकते हैं दे शो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, इनके स्ट्रक्चर लंबे लंबे बन जाया करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर गैप बहुत ज्यादा है तो इनके स्ट्रक्चर बना करते हैं शॉर्ट ऑर्डर। सो देखिए जो भी सॉलिड वाली रियल प्रॉपर्टी है वो कौन शो कर रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, कि भैया जो ये होते हैं ट्रू सॉलिड, और ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये होते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो क्या होता है, नकली सॉलिड जिसे बोल देते, धोखा सॉलिड के नाम पे धोखा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लोहा है, लोहा एक बढ़िया सॉलिड है, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, लाइक पनीर है, पनीर बढ़िया सॉलिड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएफ सॉलिड। प्रॉपर एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हुआ करते हैं मेटल्स, और एमआरएफ सॉलिड के एग्जांपल हुआ करते हैं बहुत सारे एग्जांपल है, फेमस फेमस है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, एमआरएफ सॉलिड। एक प्रॉपर्टी है वो अभी करते हैं डिस्कस, एमआरएफ सॉलिड की एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, वन इज नोन एज आइसोट्रोपी एंड सेकंड इज एनआइसोट्रोपी। क्या होता है आइसोट्रोपी एंड क्या होता है एनआइसोट्रोपी, इसके लिए ट्रिक है, तो ट्रिक देख लीजिए, एचडी हमारे स्कूल का नाम है, एचडी सनातन धर्म, या फिर इसको सिंपली याद कर सकते हैं हमारे बड़े फेमस एक्टर है सनी देओल। क्या मतलब होगा इसका, एचडी मींस सेम प्रॉपर्टी इन डी, डी मींस डिफरेंट डायरेक्शंस, कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड मैकेनिकल। उसमें क्या आ सकता है, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिजली चलना है या फिर कह दो कि हीट का चलना है, एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी को शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं डीडी, डीडी, डीडी मतलब दूरदर्शन अपना सबसे पुराना चैनल है, या फिर डीडी मींस दिल्ली डेयरडेविल्स, आईपीएल की टीम है, अच्छा खेल रही है इस साल, तो यहां पे डीडी मींस क्या होगा, डी मींस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डी मींस डिफरेंट डायरेक्शन। सो क्या हो सकता है, आइसोट्रोपी मींस सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट मींस डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, शॉर्टकट क्या है, एस डी एंड टी डी। अब आइसोट्रोपी को कौन शो करता है, इसका शॉर्टकट है आईएएस, आइसोट्रोपी इज शोन बाय एमआरएफएस सॉलिड, सो आइसोट्रोपी इज शोन बाय एमआरएफएस सॉलिड, एंड एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी को शॉर्टकट है एसी, एसी मींस ए मींस एनआइसोट्रोपी एंड सी मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनआइसोट्रोपी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एमआरएफएस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, रिपीट कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन असली वाले सॉलिड होते हैं, एमआरएफएस नकली वाले सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो लेस हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज के अंदर होता है, उनको काटा जा सकता है, और जब वो कटते हैं बिल्कुल साफ सफाई से कटते हैं, ये रफली कटते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी का शॉर्टकट क्या है, एचडी, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका शॉर्टकट क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप को हम सिंपली याद रख सकते हैं, सिंपल सा ट्रिक है इसका, आई एम सी एल, आई एम चीफ मिनिस्टर,
IMCA, where I means ionic solid. I क्या होता भैया? Ionic solid. M metallic solid. C covalent solid. And last M means क्या होता भी? Molecular solid. Four types के होते हैं. Ionic solid, metallic solid, covalent solid and molecular solid. इनके बारे में हमने पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखने होते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अगर आपको पता हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस जो इनको बनाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनसे ये मिलके बनते हैं. आयनिक सॉलिड मिलके बनते हैं आयन से. एंड आयन्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस. सिमिलरली मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड की कैसे हम याद रख सकते हैं? मेटालिक सॉलिड की जो सबसे खास प्रॉपर्टी हुआ करती है वो हुआ करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और उनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हुआ करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. जब एक आता है इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है, उन्हें बोल देते हैं हम लोग पॉजिटिव होल्स. तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव होल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट सॉलिड हमारे मिलके बनते हैं एटम्स से, और मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल से. तो ये हम याद रख सकते हैं, आयनिक सॉलिड आयन से बनेंगे, कैटायंस एनायंस, मेटालिक सॉलिड इलेक्ट्रॉन से, एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है तो पॉजिटिव होल वहां पे क्रिएट हो जाता है. कोवेलेंट सॉलिड एटम से मिलके बनेंगे एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे. अगली बात होती है बाइंडिंग फोर्स, कि कौन सी फोर्स है जो इन्हें बाइंड करके रखती है, कौन सी फोर्स है जो इन्हें बांध के रखती है आपस में. सिंपली है, आयनिक सॉलिड में होगी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर सॉरी मेटालिक सॉलिड के अंदर मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर बॉन्ड. मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कई सारे टाइप्स हैं, लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कि कंडक्टिविटी का क्या सीन है इनके अंदर. सो अगली हम बात कर सकते हैं अबाउट कंडक्टिविटी. मेटालिक सॉलिड है बेस्ट कंडक्टर, ये सबसे बढ़िया कंडक्टर होते हैं, इनके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं. और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो बेस्ट इंसुलेटर हुआ करते हैं, होते हैं इंसुलेटर. कोवेलेंट सॉलिड का क्या होता है? कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर. कई केसेस ऐसे हैं जो कंडक्टर हो सकते हैं, वाइल सम केसेस आर, सम नहीं ज्यादातर केसेस इनके क्या होते हैं? इंसुलेटर हुआ करते हैं. आयनिक सॉलिड, क्वेश्चन बनता है आयनिक सॉलिड से रिलेटेड, क्या है बड़ी खास बात है इनके अंदर? कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट व्हाइल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट. कि वे कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, बट सॉलिड स्टेट के अंदर ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. क्वेश्चन आ जाता है व्हाई आयनिक सॉलिड विल शो कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. तो सिंपल सा रीजन होता है कि मोल्टन स्टेट्स के अंदर क्या हो जाता है कि उनके आयंस बन जाते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, हेंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाइल इन सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है कि उनके आयंस आपस में बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अबाउट स्पेस लैटिस. व्हाट इज स्पेस लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल एंड व्हाट इज लैटिस पॉइंट. ये तीनों टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेस लैटिस क्या होता है. स्पेस होता है खाली जगह, लैटिस होते हैं पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को खाली जगह में लगा दीजिए. स्पेस लैटिस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है 3D अरेंजमेंट.
3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वी पार्टिकल्स को 3D में अरेंज कर दीजिए। 3D मींस 3 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन। लाइक देखिए, ये होता है हमारा x, ये होता है y एंड दिस वन इज आवर z। एक्चुअल में z ऐसे नहीं होता, एक्चुअल में z ऐसे हुआ करता है। ऐसे हम लोगों ने पार्टिकल्स को अरेंज कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लगा लेना है। आप लोगों ने आइडिया कि बीच यहां से होगा। अब इनको मिला के प्लस का साइन बनाना है। सबसे बाहर वाला पॉइंट से सबसे बाहर वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट से लास्ट, बाहर से लास्ट, बीच से बीच और बाहर से। ये कुछ इस तरह से आपका बन गया एंड दिस इज योर स्पेस वेक्टर। स्पेस लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सो इट इज योर स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, की पार्टिकल्स को हम लोगों ने 3D में अरेंज कर दिया। और नेक्स्ट इज यूनिट सेल। कि भैया यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को अगर देखिए सिंपली करें, यूनिट मींस वन, सेल मींस रूम। स्पेस लैटिस एक बिल्डिंग की तरह होता है और यूनिट सेल एक कमरे की तरह होता है। जब हम एक कमरा बार बार बनाते चले जाएंगे देन वो क्या बना देगा, बिल्डिंग। ऐसे यूनिट सेल को अगर मैं बार बार बनाता चला जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल की सिंपल सी डेफिनेशन होती है रिपीटिंग यूनिट या स्मॉलेस्ट पोर्शन यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेस लैटिस। क्लियर, ये क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होगा क्या बनाएगी, स्पेस लैटिस को बना देगी। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट सेल। ऐसे होते हैं लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, पोजिशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो पोजीशन जो कि कांस्टेंट पार्टिकल्स ने घेर ली है, लाइक यहां पे आपने पार्टिकल्स को लगाया है, इन पोजीशन को क्या बोला जाएगा, लैटिस पॉइंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, स्पेस लैटिस। देखिए तीन टॉपिक हमने करे हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस लगा दिया। उसका जो छोटा सा कंप्लीट पोर्शन है उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। और जिन पोजीशन पे आप लोगों ने पार्टिकल्स को लगाया है दे आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो जो यूनिट सेल होते हैं वो हमारे होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से, नंबर वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड नंबर टू इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं, दो यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ओनली एट कॉर्नर्स, जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हों। और इसमें कहां पे होते हैं, देखिए कोई भी यूनिट सेल हो एक बात फिक्स होती है, दैट केस में पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। जैसे पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं, इसमें एट कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशन, कि भैया साथ के साथ कहीं ना कहीं और पोजीशन पे भी होंगे। जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हमारा एक यूनिट सेल है, इसे पार्टिकल सिर्फ हमने कहां पे लगा दिए हैं, कॉर्नर्स पे। अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं देन इट इज नोन एज परमिटिव। और अगर हम नॉन परमिटिव की बात करें, नॉन परमिटिव पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं,
एज वेल एज सम अदर, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी। सिर्फ कॉर्नर पे है तो परमिटिव, कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पर है तो वो है नॉन परमिटिव। कॉर्नर का एक टाइप होता है जो हमने एक्सप्लेन करना है, SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके आगे 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज BCC, नंबर 2 इज FCC, नंबर 3 इज ECC एंड फोर्थ वन इज ENCC। BCC मीन्स भारत केमिस्ट्री क्लासेस, बड़ा फेमस वर्ड है, याद रखना आप लोगों ने। जाकर BCC means body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, edge centered cubic unit cell and end centered cubic unit cell। क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। है कि unit cell होते हैं 2 types के, कौन-कौन से? Number 1 is primitive, number 2 is non-primitive। एक होता है आपका primitive, एक होता है non-primitive। primitive का सिर्फ एक type है, क्या? SC means simple cubic। non primitive क्या के 4 types होते हैं, कौन कौन से? number 1 is BCC, number 2 is FCC, number 3 is ECC and number 4 is ENCC। SC means होता है simple cubic, BCC means body centered cubic, FCC means face centered cubic, ECC means edge centered cubic and ENCC means end centered cubic। एक बात कॉमन होती है कि हर एक में पार्टिकल्स कहां पे होंगे? एट कॉर्नर्स। ये बात हम लिख सकते हैं, एट कॉर्नर्स। इसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे? एट कॉर्नर्स, सेम एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स। ये बात तो सभी को मालूम है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। जो परमिटिव है उसमें सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, नॉन परमिटिव में किसी दूसरी जगह पर भी होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? BCC, BCC मींस बॉडी सेंटर। तो आप लोग क्या लिखते हो? एज वेल एज या फिर प्लस बॉडी सेंटर। बी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होंगे या फिर सेंटर ऑफ बॉडी होंगे। यहां पे एज वेल एज फेस सेंटर, फेस के सेंटर। यहां पे एज वेल एज एज सेंटर, एज वेल एज एंड सेंटर। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखिए मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूं कि ये यूनिट है इमेजिनरी। हम जस्ट इमेजिन करके चल रहे हैं कि यहां पे ऐसा होता है, ऐसा होता है एंड ऐसा होता है। कुछ ऐसा है, हर एक यूनिट सेल में एक बात कॉमन है कि पार्टिकल्स में कहां पर है? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे लगा दीजिए, कॉर्नर्स पे हमने ये लगा दिया है। अब बॉडी सेंटर में बॉडी के कितने सेंटर होते हैं? देखिए एक जो बॉडी होती है उसका सिर्फ एक सेंटर होता है। लाइक ये रूम है, इसका सेंटर बीच में कहीं होगा। हमने बॉडी का सेंटर ड्रॉ कर दिया, ये बॉडी का सेंटर हो गया। उसके बाद फेस सेंटर, फेस, फेस होता है दिस। ये आपका एक सेंटर है, एक फेस है, ये दूसरा फेस होगा, तीसरा, फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। इनके सेंटर की बात करनी है। ऊपर वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं से होगा, नीचे वाले फेस का सेंटर यहाँ पे, इस साइड वाले फेस का सेंटर यहाँ पे, इस साइड वाले फेस का सेंटर यहाँ पे, पीछे वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं और आगे वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा। एज, एज बोलते हैं इन लाइंस को। एक रूम के अंदर कितनी ऐसी ऐसी लाइंस हैं? देखिए एक बार, 1, 2, 3, 4, सेम 5, 6, 7 एंड 8, देन 9, 10, 11, 12। अगर हम इसमें ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। एंड एंड मीन्स होता है कदम।
बट एंड का दूसरा मतलब होता है किनारा। एक नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी नहीं मिला करते। ऐसे हमने कुछ ऐसा करना है इसमें, फ्रंट फेसिंग है, इसमें हम एक बात लिखेंगे फ्रंट फेसिंग। फ्रंट फेसिंग मीन्स आमने सामने, आमने सामने वाला, लाइक ये है एंड ये है। अभी हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं इनके अंदर, देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स। एक बार देखिए टोटल कितने कॉर्नर हैं किसी यूनिट सेल के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बात आ जाती है एक कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन की, कि अगर एक कॉर्नर के आपने ऊपर आपने पार्टिकल लगा दिया है वो कितने रूम्स के साथ अटैच होगा, कितने यूनिट के साथ अटैच होगा, उसके कंट्रीब्यूशन क्या है उस रूम के अंदर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हम मान के चलते हैं कि ये एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके एक कॉर्नर पे हमने एक पार्टिकल अटैच कर दिया, जैसे कि हम अटैच कर देते हैं ये एक कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे मैंने स्फेयर्स को लगा दिया है। अब ये कॉर्नर के स्फेयर्स कितने रूम्स के साथ टच होंगे, बात है ये इसके साथ है अटैच, ये हो गए हैं दो रूम्स के साथ अटैच, अब ये हो गए हैं तीन रूम के साथ अटैच, ऐसे फिर 4, 5, 6, 7 और ये 8। अगर नीचे हो, नीचे अटैच नहीं हो रहे हैं, कैसे अटैच हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो आप क्या लिख सकते हो 1/8, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा 1। ऐसी हर एक में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 × 1/8 सब में आना है। बॉडी सेंटर, ये बॉडी के सेंटर के अंदर है, कितने होते हैं बॉडी के सेंटर, 1, और कोई यूनिट सेल कोई स्फीयर बॉडी के सेंटर पे है तो कितने रूम्स के साथ अटैच है, इसका बाहर किसी के साथ कोई लिंक है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही रूम के साथ लिंक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं आपके 2, 1+1। उसके बाद फेस सेंटर की बात करते हैं, फेस कितने होते हैं टोटल 6, और अगर किसी एक फुटबॉल की बात कर, मानिए कि एक फेस है, मैं इसके आर पार एक फुटबॉल कर देता हूँ, फेस के सेंटर के आर पार मैंने फुटबॉल कर दी, वो कितने रूम्स में अटैच होगी इसमें, एंड एक तो इस तरफ है, यही हर एक फेस का हाल होगा, तो यहाँ से आप 1/2 तो आ जाना है 1, 3, 4। एज की बात करते हैं, एज टोटल होती है 12, हम कर चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये 12 एजेस होगी। हम अगर किसी एक एज की बात करते हैं, लाइक मान के चलिए यहाँ पे ये एज है, मैंने इसके आर पर एक फुटबॉल को कर दिया है, इस एज के आर पर मैं फुटबॉल कर देता हूँ, वो कितने रूम्स के साथ अटैच होगी, 1, 2, 3 और जो इसके पीछे है 4, रिपीट कर रहा हूँ 1, 2, 3 और जो साइड है 4, यानी कि एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 4, तो यहाँ से आप कर सकते हो 1+3, 4। नेक्स्ट है एंड, किनारे दो हुआ करते हैं, किसी भी एक किनारे की बात करते हैं, मान लो हमने ये दो किनारे किए थे, ऊपर वाले किनारे की बात करते हैं, अगर मैं ऊपर वाले किनारे के आपका फुटबॉल कर देता हूँ वो कितने रूम्स के साथ अटैच होगी, उसने होना है दो रूम्स के साथ अटैच, तो यहाँ से 1+1 क्या आ गया है 2 आ गया। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, देखिए कैसे आते हैं वो न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे आते हैं, लाइक आ गया गिव फॉर्मूला, इफ ए एट कॉर्नर्स व्हाइल बी एट फेस सेंटर, कि
ए आपका कॉर्नर्स पे है और बी आपका फेस सेंटर पे है, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ए एट कॉर्नर्स, यहां से आप लोग निकालोगे रैंक ऑफ ए, कॉर्नर्स कितने होते हैं टोटल 8 इनटू 1 बाय 8 एंड यहां से आपका रैंक ऑफ ए आ जाता है 5। बी बी फेस सेंटर, बी आपका है फेस के सेंटर, यहां से आप रैंक ऑफ बी कैलकुलेट कर लोगे, रैंक ऑफ बी इज 6 इनटू 1 बाय 2, यहां से आपका आ जाता है 3। देन फॉर्मूला भी इजी, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से a1 b3। कुछ और क्या हो सकता है कि इसमें से एक और बनाते हैं हम लोग, a एट कॉर्नर्स, b एट फेस सेंटर, 3 एटम्स फ्रॉम कॉर्नर आर मिस्ड, कि ऐसा हो गया कि 3 एटम जो है वो कॉर्नर से मिस हो चुके हैं, फिर क्या होगा, आप लोग लिखिए इसमें 3 एटम्स मिस्ड। 3 एटम अगर मिस हो जाते हैं तो कॉर्नर्स पे कितने एटम्स बच जाते हैं, 5। 5 into 1 by 8 is 5 by 8, then आपका फॉर्मूला क्या होगा, a 5 by 8 b 3। इसको और सिंपलीफाई करोगे आप लोग क्या लिखोगे, a 5 b 24, this will be your formula। ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल किए जा सकते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। सॉलिड स्टेट की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफेक्ट। डिफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज आइडियल क्रिस्टल, भैया आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, दोस क्रिस्टल इन व्हिच नंबर ऑफ कैटायंस आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायंस, कि जिसमें कैटायंस और एनायन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडियल क्रिस्टल। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पॉजिटिव के बाद हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, सेम ऐसे पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव। इसमें 3 कैटायंस हैं एंड 3 ही आपके एनायन हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल क्रिस्टल। अब डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट डिफेक्ट क्या होता है, एनी इरेगुलरिटी, इन द अरेंजमेंट ऑफ आइडियल क्रिस्टल, कि आपके पास एक आइडियल क्रिस्टल था, आपने उसकी अरेंजमेंट के साथ इरेगुलरिटी कर दी, कुछ छेड़छाड़ कर दी है, और छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है डिफेक्ट में, आप कुछ कम कर सकते हो या फिर कुछ ज्यादा कर सकते हो। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल करते हैं हम लोग, ये है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब डिफेक्ट आपने करना है, डिफेक्ट आप लोग इसमें दो तरीके से कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डिफेक्ट दो तरीके से किया जा सकता है, कुछ कम करके या फिर कुछ ज्यादा करके। मान लीजिए कि हम कुछ कम कर देते हैं, हमने एक नेगेटिव कम कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही कम करना है, पॉजिटिव भी कम कर सकते थे यहाँ पे, या फिर कुछ ज्यादा कर देते हैं, हमने एक पॉजिटिव ज्यादा कर दिया। जब आप कुछ कम करते हो वह बन जाता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वहां पे जगह खाली हो जाती है, इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। और जब आप कुछ ज्यादा करते हो वह बन जाया करता है आपका इंटरस्टीशियल इफेक्ट, इंटरस्टीशियल इफेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, आइडियल क्रिस्टल होता है जिसमें कैटायन एनायन इक्वल होते हैं, डिफेक्ट होता है उसके साथ छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करने के कुछ दो तरीके होते हैं, कुछ कम करना या फिर कुछ ज्यादा करना। जब आप कुछ कम करते हो वो वैकेंसी हो जाता है, और जब कुछ ज्यादा कर देते हो वो इंटरस्टीशियल हो जाता है। आगे मेनली जो डिफेक्ट के टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं,
डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, विच वन? नंबर वन स्टोइकियोमेट्रिक, नंबर टू इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। दो तरह के डिफेक्ट हुआ करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं दोज डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद सेम रहता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। याद रखने का शॉर्टकट क्या हो सकता है इसमें? S means stoichiometric, S means same ratio। कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पहले जब आप डिफेक्ट करोगे, पहले हमेशा क्या कोशिश करनी है कि उसे पहले आइडियल ही बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेशियो की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें कैटायंस हैं 6 एंड एनायन भी है आपके 6, सो रेशियो विल बी 1:1। अब आपने डिफेक्ट करना है, डिफेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, कुछ कम करना या फिर कुछ ज्यादा करना। हम कुछ कम कर देते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव कम कर दिया, तो 101% बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपको एक नेगेटिव भी कम करना पड़ेगा। अगर आपने दो पॉजिटिव कम किए हैं तो आपको वहां से दो नेगेटिव भी कम करने पड़ेंगे, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे कैटायंस कितने हो गए आपके 4 एंड एनायन कितने हो गए हैं 4 एंड योर रेशियो इज 1:1। इसमें हम बात करते हैं कुछ ज्यादा करते हैं, चलिए मान लो हमने एक पॉजिटिव ज्यादा कर दिया या फिर दो पॉजिटिव ज्यादा कर दिया या फिर मान लीजिए हमने 3 पॉजिटिव ज्यादा कर दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? 3 नेगेटिव भी ज्यादा करने पड़ेंगे। रेशियो 9 कैटायन है और 9 ही एनायन है एंड योर रेशियो विल बी 1:1। रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें रेशियो सेम रहता है। सेम कैसे रहेगा? आप जितने कैटायंस ऐड करोगे उतने ही एनायंस ऐड करने पड़ेंगे और जितने कैटायन रिमूव करोगे उतने ही एनायन रिमूव करने पड़ेंगे, तभी आपका रेशियो क्या रहेगा? सेम। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, नॉन नॉन मींस नॉन सेम रेशियो, जिसमें आपके कैटायंस एंड एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है डिफेक्ट से पहले एंड डिफेक्ट के बाद, उसे हम लोग बोल देते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए जैसे कि ये है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल। एंड अगर मैं यहाँ पे रेशियो बोलूं, रेशियो आपका आएगा 6:6, यहाँ से रेशियो आपका 1:1। अब आप इसमें डिफेक्ट कर दीजिए, डिफेक्ट पहले आपको मैंने बोला है कि पहले आप आइडियल ही बनाइए हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम इसमें भी पहले आइडियल बना लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब डिफेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, कुछ कम करना या फिर कुछ ज्यादा करना। मान लीजिए कि हम कुछ कम करते हैं, हमने एक पॉजिटिव कम कर दिया, तो एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आप एक नेगेटिव कम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने एक नेगेटिव कम किया रेशियो सेम आ जाना है, वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बन जाएगा। सो सिंपल है, अगर आपने एक पॉजिटिव कम किया तो आप एक नेगेटिव नहीं कम करोगे, करने ही है दो कर दीजिए, तीन कर दीजिए या फिर मत कीजिए, हम नहीं करते चले इसमें। अब इसमें रेशियो देखें तो कैटायंस है हमारे 5 एंड एनायंस है हमारे 6, रेशियो 5:6। इसकी अगर मैं बात करूं, कुछ ज्यादा करना है हमने, मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव ज्यादा कर दिया है, तो फिक्स ये है कि हम एक नेगेटिव ज्यादा नहीं करेंगे,
या फिर हमने दो पॉजिटिव ज्यादा कर दिया तो फिक्स रेशियो फिक्स बात ये रहेगी कि हम दो नेगेटिव ज्यादा नहीं करेंगे. मींस अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायंस आर एडेड और मिस्ड. इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायंस आपने ऐड करने हैं या फिर मिस करने हैं. मान लीजिए आपने यहां पे एक नेगेटिव ऐड कर दिया है, आपके कैटायंस हो गए हैं 8 एंड एनायंस हो गए हैं 7, रेशियो सेम नहीं आया है. अगर रेशियो सेम आता है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, एंड अगर रेशियो चेंज हो जाता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है.